हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभांगी क्रिएशन। इधर का कंडीशन भी ज़्यादा पेन हो रहा है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल जस्ट कल इतना जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहा था तो हाथ में कैसे चोट लग गया और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, मतलब बहुत बहुत ही ख़राब कंडीशन है। फिलहाल तो हम रेडी हो रहे हैं साइट सीन वगैरह के लिए। पैरागो में बहुत ज़्यादा ठंडा है, माइनस चल रहा है इधर। अभी का टेम्परेचर -1 है। रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड था, मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था, मेरा हाथ नहीं निकल रहा था, इतना ज़्यादा ठंड था। तो चलो रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि मैं फिलहाल कुछ नहीं कर पा रही। सभी फ्रेंड्स, आंटियाँ जो भी है, सभी ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है सब कुछ में। तो चलो चलते हैं, रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फिर तैयार होने में मेरा बहन बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था मेरे को, पूरा क्रीम व्रीम लगा के पूरा तैयार कर रहा था। जब से मेरा उंगली में चोट आया तब से ये लड़के मेरे को इतना हेल्प कर रहा है कि क्या बताऊँ। आंटी थी उधर तो उसने मेरे को खिलाया, इसने क्रीम लगाया ना, सब ने मिल के मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ही हेल्प किया। सो गाइस, ये हमारी मैगी हो रही है। लेकिन कुछ देर पहले ही हम खाए हैं, ब्रेकफास्ट किया है। इधर हो रहा है, मेरे को उधर वॉइस ओवर इसी रीजन से करना पड़ा कि इतना बड़ा ओवन है ना, तो उधर हम लोग जो भी बात किया बिल्कुल नहीं सुना दिया, क्योंकि हमारा जो माइक था वो घर पे भूल गया था। तो इतना लेजी था हम लोग कि घर जाके माइक ही लेके नहीं आया, तो किचन में हम लोग कुकिंग कंटिन्यू किया। तो एक के बाद एक मैं कह रहा था तो उसने बना रही थी, तो मैं थोड़ा ऑनियन और कैप्सिकम एक्स्ट्रा ऐड किया था, क्योंकि इधर हेड ज़्यादा था तो इसलिए थोड़ा क्वान्टिटी बढ़ाने के लिए मैंने दिया था और कुछ नहीं। और इसमें बिल्कुल तीखा इस कारण नहीं, बट मैं जो रिव्यू देखा हूँ कि बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। तो इसी वजह से मैं घर ट्राई करने के बाद आपको ज़रूर बताने वाली हूँ कि तीखा था भी बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि सॉस की वजह से हुआ, बट सॉस के वजह से अगर होता भी तो थोड़ा बहुत तो तीखा होता है ना। मेरा बहन इसको चाट चाट के खा रहा था, मेरे को लगा कि उन लोगों को तीखा लगेगा, इस वजह से मैंने थोड़ा सॉस ऐड करवा दिया, बट बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो कोई बात नहीं, तो इधर ऑलमोस्ट मैगी रेडी हो गया था। बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहा था और मैं इधर जितना भी सीजनिंग था सब कुछ निकल रहा था एक एक करके, कितना भयंकर था। एक ये कुछ सेसमिक सिक जैसा था और ब्लैक ब्लैक कुछ था, मुझे पता नहीं है, बट हाँ मैंने निकल, लाइक बहुत ही पतला पतला ब्लैक ब्लैक कुछ था, मुझे पता नहीं है ये क्या है, बट आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं सब कुछ लेके उसको रेडी कर रहा कि गैस ऑफ करके इसको मिक्स कर देंगे हम लोग। आज तो पूरा हालत ही खराब हो जाएगा, मजा आने वाला है, मजा तो बहुत आने वाला, सजा हो जाएगा। पहले ही बारिश, फिर ठंडा, फिर ये स्पाइसी मैगी तो बनता है ना, मतलब माउंटेन पे आके अगर मैगी नहीं बना तो फिर क्या हुआ। और मोमो भी चाहिए, लेकिन हम अभी तक मोमो नहीं खा पाए, क्या किस्मत है यार। व्हाटएवर, अब मैगी होगा, फिर शाम को मोमोज भी होगा, पर हो जाएगा शायद, आई डोंट नो। ओह माय गॉड, दिस लुक्स सो अमेजिंग। थैंक यू
सो गाइस, इधर हमारी मैगी हो गई है। इधर कॉफी भी है, इधर चिकन भी है, इधर चिप्स भी है। पारी हो रही है इधर। इधर इसमें क्या है? लेकिन बिल्कुल भी तीखा नहीं है, क्योंकि हम लोग ना सॉस ऐड कर दिया गलती से। ये हमारी रूम है, जस्ट मैं थोड़ी सी दिखा रही हूँ। और इधर से जस्ट अभी मैस होके पड़ा है, हाँ, इसलिए नहीं देखा। और उधर का व्यू देखो, हमारे रूम से व्यू देखो, जस्ट व्यू देखो। उधर पूरा स्नो है, आप लोग व्यू देखो, जस्ट उधर तो पूरा स्नो है, बाद बाकी इधर का व्यू, उधर पूरा जस्ट लुक एट द व्यू हमारे रूम। और इधर ठंड बहुत है, बहुत ज्यादा। उधर भी बर्फ है, वेट वो सारी जगह में सब बर्फ है। इधर सब बर्फ। हम लोग लिटरली जम चुके हैं अभी, तो रूम के हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब है, और मेरा हालत और भी ज्यादा खराब है, ठीक है। तो इस वजह से तो मैं तो मेरा रेडी वेडी होके मुझे निकलने का प्लान था, और वाली महिला वाली जाने का प्लान था, बट हम लोगों में से एक थोड़ा यही ना पागल औरत है, कुछ भी कहता है, तो थोड़ा तबीयत खराब है उसका। ये पागल है। Trust me, the best ever place. This is Chandanwadi, by the way. Itna zyada thanda hai, bahut zyada thanda, mera haath pura jam raha hai, but jagah se jaane ka mann hi nahi ho raha hai. Trust me, itna photo sab khinch ke bhi
मन नहीं जा रहा है क्योंकि स्नोफॉल बर्फ सब एक साथ हो गया ना. Trust me, this is the best ever thing. उधर से उतर के हम लोग इधर आए हैं. इधर से कहता है कि इधर अमरनाथ से पानी आता है, जो शेषनाग कहते हैं. ये जो हमारा ना रिवर, इसको शेषनाग कहते हैं. तो कह रहा है कि इसको इसमें अमरनाथ का पानी आ रहा है. तो चलो हम लोग थोड़ा जाते हैं उधर. मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा ठंडा है और बर्फ से आने के बाद ना कुछ जम गई हूँ मैं, पूरा जम गई हूँ मैं. मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है, दिक्कत हो रहा है सांस लेने में. बट चल, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सांस लेने में. चलो हेलो गाइस, हम लोग अभी अभी डिनर करके आए हैं. हाँ, बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत ठंडा है इधर. मैं 3-4 स्वेटर पहन के भी ठंडा लग रहा है हम लोग को. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय.